दोस्तों, आज आपका YouTube इंडिया फ्लिट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि दिवाली की पूजन सामग्री लिस्ट पहले से ही तैयार कर लेनी चाहिए। दिवाली पर्व नज़दीक आ गया है, इस दिवाली पर महालक्ष्मी पूजन से पहले समस्त पूजन सामग्री एकत्र कर लें। आइए जाने दिवाली पूजन में कौन सी पूजन सामग्री जरूरी है। नंबर वन पे आते हैं धूप पत्ती है, जैसे अगरबत्ती है, चंदन है, कपूर है, केसर है, अगरबत्ती है, कुमकुम है, चावल है, अबीर है, गुलाल है, हल्दी है, शोभा मेहंदी है, चूड़ी का काजल, पैजल, बिछुड़ी बिछुआ है, आभूषण है, नाड़ा है, रुई है, रोली है, सिंदूर है, सुपारी है, पान के पत्ते हैं, और धनिया खड़ा है, पांच मेवा है, गंगा जल है, शहद, मधु है, शक्कर, दही, दूध, गन्ना, सीताफल, सिंघाड़े इत्यादि, जैसे पेड़ा है, मालपू इत्यादि, इलायची है, छोटी सी लौंग है, मौली है, इत्र की सीसी है, तुलसी दल है, चौकी आसन है, पंच पल्लव है, औषधि है, लक्ष्मी जी का पाना है अथवा मूर्ति है, गणेश जी की मूर्ति, सरस्वती जी का चित्र है, चांदी का सिक्का है, लक्ष्मी की आपूर्ति करने हेतु वस्त्र हैं, गणेश जी की को अर्पित करने हेतु वस्त्र हैं, अंबिका को अर्पित करने हेतु वस्त्र हैं, जल कलश तांबे या मिट्टी का होना चाहिए, सफ़ेद कपड़ा आधा मीटर होना चाहिए, लाल कपड़ा आधा मीटर होना चाहिए, पंच रत्न दीपक, बड़े दीपक के लिए तेल है, तांबू है, लौंग लगा पान का पीड़ा होना चाहिए, नारियल है, गेहूँ चावल हैं, कलम है, भाई खाता स्याही की दवात है, तुला है, तराजू है, गुलाब एवं लाल कमल है, और एक नई थैली में दुर्गा आदि हैं, खेल तमाशे हैं, अर्धपात्र सहित अन्य सभी पात्र होने चाहिए। ये हमारे दीपावली को शुभ बनाने के बहुत अच्छे उपाय हैं, जिससे कि हम इन सब से चीज़ों का जब हम प्रयोग करते हैं तो हमें पूजन अच्छे से करने में आनंद आता है, हमारे घर में सुख समृद्धि आती है। तो सो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा YouTube चैनल अपडेट पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नए वीडियोज़ के साथ। ये जानकारी, जय हिंद, जय भारत।